इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये थ्योरम ये कहती है कि सपोज करो आपके पास ये एक बॉडी है जिसका इनिशियल मोमेंटम है एम वी वन वेक्टर, तो मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है वी वन, तो एम वी वन वेक्टर, तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या है एम वी टू वेक्टर, तो इसके ऊपर क्या लगाई गई फोर्स वेक्टर, फोर्स लगाने से मोमेंटम बढ़ गया, इनिशियल से क्या हो गया फाइनल हो गया, क्या है पॉइंट क्लियर है। तो अगर ऐसा हुआ तो इस प्रूव ये थ्योरम कहती है कि जो इसमें इंपल्स लगाया आपने, जब फोर्स लगाया कुछ देर के लिए, कितने देर के लिए टी टाइम के लिए फोर्स लगी, तो आपने इसमें इंपल्स लगाया, जो इंपल्स लगाया इंपल्स वेक्टर विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, तो चेंज इन मोमेंटम में ये क्या है पी टू वेक्टर, ये क्या है पी वन वेक्टर, तो जो भी मोमेंटम का चेंज आएगा वही क्या कहलाएगी इंपल्स। तो इंपल्स के दो फॉर्मूले हैं, एक फोर्स इनटू टाइम और दूसरा चेंज इन मोमेंटम। तो कई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं फोर्स इनटू डेल्टा टी चेंज इन टाइम इज इंपल्स और इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर। ये प्रूफ करना है, बनाना है डायग्राम, साथ बना लो डायग्राम, डायग्राम बनाने तो बना लो साइड पे। इसके अंदर क्या बताया गया है कि आपको प्रूव करना है ये इंपल्स इज चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, आप स्टार्ट यहां से करेंगे फोर्स से। न्यूटन का सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एफ वेक्टर इज डीपी बाय डीटी, क्योंकि एक वेक्टर है तो ये भी वेक्टर, आप ऐसे लिख नहीं सकते कि यहां पर वेक्टर हटा दो यहां लगा दो, अगर ये वेक्टर लिख रहे हो तो ये भी वेक्टर लिखो, अगर नहीं लिख रहे फिर दोनों जगह वेक्टर मत लिखो, ठीक है, या तो आप स्केलर में बात कर रहे हो या आप वेक्टर में बात कर रहे हो, वेक्टर है फिर हर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर बनेगा, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी बाय डीटी वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, इसे स्मॉल चेंज से अगर टोटल चेंज निकालना है तो इंटीग्रेशन, दोनों तरफ की इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब टाइम जीरो है तो मोमेंटम क्या था पी वन वेक्टर, जब टाइम टी हो गया तो मोमेंटम टी टाइम में क्या हो गया पी टू वेक्टर, वन डीपी की इंटीग्रेशन क्या होती है पी वेक्टर, अब वेक्टर है तो हर जगह वेक्टर, फोर्स आपने कांस्टेंट लगाई टाइम की इंटीग्रेशन तो 1 dt की इंटीग्रेशन t, t वेक्टर नहीं है इसके ऊपर वेक्टर नहीं, तो यहां पर p की जगह एक बार अपर वेक्टर एक बार लोअर वैल्यू, तो क्या आ गया फोर्स इनटू टाइम क्या होता है इंपल्स और ये क्या है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कर लोगे प्रूफ। और स्टेटमेंट में क्या लिखोगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंपल्स अप्लाइड ऑन इट,